एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि भाई पूरे विश्व में उसके समान कोई भी बुद्धिमान व विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से ये कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद और शास्त्रार्थ कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उसके वाद विवाद करने का साहस न कर सका। इसी बीच राज पुरोहित तथाचार्य ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। और भाई चुनौती स्वीकार तो कर ली, लेकिन बाद में तथाचार्य को पछताना पड़ा। पूरे दरबार के बीच तथाचार्य हंसी का पात्र बनकर रह गए। राजा देवराय भी बड़ी ही चिंता में और दुविधा में डूब गए। अब भाई उनका शस्त्र जो कि उनका ब्रह्मास्त्र है, यानी कि हमारे पंडित रामकृष्णा, अब भाई राजा ने दरबारियों को अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पंडित रामकृष्णा को जल्द से जल्द दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण दे दिया जाए। राजा के आदेश पर रामा दरबार में आए और महाराज को निश्चिंत होने के लिए कहा। पंडित रामकृष्णा ने विद्वान की चुनौती को स्वीकार कर लिया और इसी बीच चुनौती का दिन भी तय कर लिया गया। भाई दिवस बीते, रात्रि बीती और मुकाबले का दिन भी आ गया। और मुकाबले के दिन पंडित रामकृष्णा पूर्णतः एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। और शीघ्र ही वो विद्वान भी दरबार में आकर तेनाली रामा के सामने बैठ गया। रामा ने झुककर महाराज कृष्णदेव राय को प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा समझ गए थे कि पंडित का रूप धरे तेनाली रामा के मस्तिष्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही होगी, इसलिए वे पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब राजा के आदेश पर वाद विवाद आरंभ कर दिया गया। पंडित के रूप में तेनाली राम पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूं, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महाशय, कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए, विद्वान ने कहा। तेनालीराम बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधन। विद्वान चकित हो गया। विद्वान ने अपने पूरे जीवन में इस तरह की पुस्तक का ना तो नाम सुना था ना कहीं पढ़ी थी, इसलिए विद्वान घबरा गया और सोचने लगा कि भाई ऐसी पुस्तक जिसके विषय में ना तो आज तक उसने कभी पढ़ा है और ना ही कभी सुना है, कैसे उससे वाद विवाद करेगा। लेकिन फिर भी वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज विवाद रहने दिया जाए, क्योंकि मैं इस पुस्तक के महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल गया हूँ, इसलिए मैं कल प्रातः स्वस्थ व स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम दोनों वाद विवाद करेंगे। तेनालीराम के अनुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनालीराम का कर्तव्य था, इसलिए वह सरलता से मान गया। लेकिन वाद विवाद में हारने के भय से विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। और अगले ही दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनालीराम बोले, महाराज, वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वह विजयनगर से पलायन कर चुका है। रामा, वाद विवाद के लिए लाई गई उन अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ बताओ, जिससे कि हमें भी तो ज्ञात हो कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे डरकर वह विद्वान भाग गया, राजा ने पूछा। महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है, मैंने ही उसका यह नाम रखा था, तिलक्षता महिषा बंधन। इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियाँ और महिषा बंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में एक पुस्तक जैसी लगे।
लेकिन तेनालीरामा की बुद्धिमता को देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। राजा ने प्रसन्न होकर रामा को ढेर सारे पुरस्कार दिए और एक बार फिर रामा ने विजयनगर की इज्जत, उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। सो इस एपिसोड में तो बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो, एक छोटा सा प्रयास, पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोग भी तेनाली रामा के फैंस हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं।